बहुत है कि पहला बार ऐसा उम्मीदवार से सिवान के जनता के भेंट भइल बा। ऐसे कहीं शंका संदेह मत करी, हमनी के वोट लमटेन छाप पर दबाएब से 9 के बाद देखिए घोड़ा रेस में चलिए से तो के कहाँ बा ये बतावे के ना पड़े, जनता अपने से सब जानती है। जुड़ेंगे वरिष्ठ नेता माले के और महागठबंधन से प्रचार के लिए लगातार कोशिश में है, लोगों से मिल रहे हैं। अमरनाथ यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनका बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है हमारे चैनल को, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमने के महागठबंधन के तरफ से रहुआ टीम के रहुआ चैनल के धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे आज तेजस्वी जी ने जिस तरह से ललकारा मोदी जी को, तमाम उनके जो जुमले थे उनको स्पीकर के माध्यम से सुनाया और कहा कि बिहार के लोग बिहारी डरेंगे गुजरातियों से, क्या कहेंगे आप? ये तो माननीय तेजस्वी जी के बात रहला कि बिहार के लोग गुजराती से का डरी आ हमनियों से गुजराती ना डरी। सवाल बा लोकसभा चुनाव के, वो बढ़िया बात बा। और अभी तक महागठबंधन के उम्मीदवार के माननीय जी हमने के उम्मीदवार बा अवधारी चौधरी जी, अभी हमने के पलरा भारी बा। 9 तारीख के बाद से लगातार पलरा हमने के भारी होते। क्या तो लगता है कि इस बार सिवान की जनता और बिहारी जी को सिवान का गांधी कहती है, कहा जाता है जितना अनुभव है। और तेजस्वी जी ने भी कहा कि सोच समझ के हम लोग टिकट दिए हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा सिवान की जनता पे? प्रभाव पड़ गया है, प्रभाव पड़ेगा नहीं, प्रभाव पड़ गया है। हम लोग इलेक्शन जीतेंगे या MP चुने जाएंगे इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेश नहीं। सिवान की समस्या क्या है? लोग लगातार कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। देश के समस्या बा, पूरा समस्या बा। आज भी गरीबी बा, आज भी बेरोजगारी बा, आज भी महंगाई बा। कोशिश कर ली कि यह सब पर रोक लागे। जनता के भी जा रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? जनता में पूरा हमने के सपोर्ट मिलता, पूरा मदद मिलता। आ लोग कहता है कि पहला बार ऐसा उम्मीदवार से सिवान के जनता के भेंट भइल बा। ऐसे कहीं शंका संदेह मत करी, हमने के वोट लमटेन छाप पर दबाएब से आ माननीय अवध बिहारी के जिताएब से, अपन रोड बनवाएब से, अपन गली बनवाएब से, ये काम जनता कहती है। एक और सवाल लेंगे कि लगातार ये भी अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सिवान में महिला बनाम महिला लड़ाई है, RJD लड़ाई में नहीं है, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मुँह पर तो कोई के पट्टी से टाइल नहीं है, जेकरा जो मुँह बा कहता 9 के बाद देखिए घोड़ा रेस में चलिए से तो के कहाँ बा ये बतावे के ना पड़े, जनता अपने से सब जानती है। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? सिवान के जनता से हमने के अपील बा कि अगर महंगाई कम करे के बा, संविधान के बचावे के बा, अम्बेडकर जी के संविधान के जिंदा रखे के बा, तो हमने के भाजपा के हरावे के बा, अम्बेडकर जी के संविधान के बचावे के बा, तो भाजपा के हरावे के बारे में कौन सकने के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ अमरनाथ यादव जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत किया और तमाम सिवान के मुद्दे हैं जो लगातार जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो बातें हो रही है उसको बताने का काम किया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।